क्या आप जानना चाहते हैं कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है, एनर्जी क्या है, या फिर यूनिवर्स में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं और ये सब फोर्सेस कैसे काम करता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि हमारा यूनिवर्स आखिर कैसे बना। तो इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, जिसके बारे में शायद बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी जानते हैं कि किस तरह एक छोटे से पॉइंट में विस्फोट हुआ और हमारा यूनिवर्स तेजी से फैलने लगा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही अलग और यूनिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस थ्योरी का नाम है वैदिक रश्मि थ्योरी। इस थ्योरी को वाराणसी की एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में एक वैदिक साइंटिस्ट द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ये अकेली थ्योरी 2800 पन्नों की है, जिसमें ब्रह्मांड के सभी मिस्ट्रीज को वेदों के सहारे एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को किसी भी तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से ना देखें, क्योंकि बिग बैंग की तरह ये भी एक थ्योरी ही है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स अपनी फंडामेंटल स्टेट में पूरे इनफाइनाइट यूनिवर्स में फैला हुआ था। यह फंडामेंटल स्टेट का मतलब है कि जैसे किसी मैटर को हम तोड़ते चले जाते हैं, तब उसमें एक अंतिम अवस्था आती है जिसके आगे उसे ब्रेक कर पाना असंभव होता है। तो मैटर की उसी अवस्था को फंडामेंटल स्टेट कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे समुद्र में पानी हर जगह समान रूप से फैला हुआ है, उसी तरह हमारा ब्रह्मांड जिस मटेरियल से बनी है, वही फंडामेंटल मटेरियल पूरे स्पेस में भी समान रूप से फैला हुआ था। तब उस बेसिक या फंडामेंटल मैटर, जिसे वेदों में प्रकृति कहा जाता है, उसकी गुण या स्पेशलिटीज आखिर कैसी थी, यानी कि हमारे यूनिवर्स के शुरुआती दौर में वो कैसी थी, इसके बारे में वेदों में बताया है कि उस इनिशियल कंडीशन में बिल्कुल डार्कनेस था, जहाँ रोशनी से लेकर तापमान कुछ भी नहीं था। वो प्रकृति की अवस्था अत्यंत शांत थी, यानी कोई नॉइस नहीं था, कोई वाइब्रेशन नहीं था, कोई मोशन भी नहीं था, यहाँ तक समय और फोर्सेस भी नहीं थे। तब उस मैटर के सारे गुण स्लीपिंग मोड में था, यानी उसकी सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट तो करता था लेकिन इनएक्टिव मोड।